अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुरु रामदास के जन्मोत्सव पर सभी श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में स्नान करने और माथा टेकने आ रहे हैं। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर लाइट और फूलों की सजावट से जगमगा रहा है। पाशा जी का आज प्रकाश पर्व है। आप देख रहे हो कि संगत का इतना उत्साह है और सम्मान दे रहे हैं गुरु साहब के इस प्रकाश पर्व पर। बहुत बड़ी गिनती में संगत है, जितनी बड़ी गिनती में संगत है उतनी बड़ी अच्छे प्रबंध है। आपने देखा होगा कि जब रात का समय था तब यहाँ परिक्रमा में और बाहर ही किसी भी जगह में कुछ तिल फेंकने की जगह नहीं होगी। ये गुरु साहब की जी की कृपा है कि संगत इतनी बड़ी गिनती में आती है। और दूसरी तरफ से चाहे मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक सेवादार हूँ, लेकिन ये भी हमारे को मान करना चाहिए कि इतनी बड़ी संगत को जो हमारे पहरेदार हैं, जो हमारे सेवादार हैं श्रोमणी कमेटी के, वो बखूबी निभा रहे हैं। इतने बड़े लंगर चल रहे हैं, सारे प्रबंध अच्छी तरह हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं संगत। ये गुरु साहब की बड़ी कृपा है। सो रामदास पाशा के प्रकाश पर्व में समुची मानवता को, क्योंकि जिन्होंने इस स्थान को बनाया जहाँ की हर चार दरवाजे हैं, चार दिशाओं से, चारे वर्णों से लोग जहाँ आ सकते हैं, सो सभी को जहाँ नवाजा जाता है, ये गुरु रामदास पाशा की कृपा है। तो आज के प्रकाश पर्व में समुची संगत को लख लख मुबारकबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।